लेकिन अबू जॉन 3-4 साल के टाइम बा ऊ लिया के दी ये गो बहुत बड़का मामला के लेके पुलिस ट्रेस कैले बा। ओकरा बाद से जब उनके भाई से पूछताछ भइल बा तब जाके पता चलल बा कि उ औरत जौन बाड़ी उ बलिया में बाड़ी एगो ट्रक ड्राइवर से शादी ब्याह क के अपन ओजी रह रहल। फिलहाल मौजूद बानी सब गोपालगंज नगर क्षेत्र के अंतर्गत आवे वाला वार्ड संख्या 28 में जौन आरआर मोड़ के नाम से जानल जाला, आरआर गांव के नाम से जानल जाला। एजी एगो ऐसा खबर निकल के आ रहा बा जौना खबर के अगर वह सुनतनी तो कहीं ना कहीं सुन्न रह जाए। एजी एगो पति अपना पत्नी के हत्या कैला के जुर्म में आज 3 साल से जेल में बाड़े। अब पता चलता कि उ जौन पत्नी बाड़ी उ जीवित बाड़ी आ कहीं ना कहीं दूसरा जगह शादी क के आ ओजी रहत रही है। फिलहाल अभी पता चलल बा कि बलिया में रहत रही है, यूपी के बलिया में। अब ओजी से पुलिस उनका के हिरासत में लेके आ कोर्ट में पेश कैले बालो। अब ओकरा बाद से कहीं ना कहीं एमे जौन सिलसिला बा उ आगे बढ़ रहा बा। लेकिन मूल जौन सवाल बा कि एगो महिला जौन जीवित बाड़ी उनका हत्या के जुर्म में एगो पति के कहीं ना कहीं आज 3 साल से वहाँ के सजा काट रहा बानी। यहाँ के बानी जौन पति बानी उनकर महतारी यहाँ के बानी हमने इसके बातचीत कल जाता कि ये जौन पूरा मामला रल उ केंगनी से रल का नाम पड़ी रहा। हमारा आशा देवी नाम पड़ी। आशा देवी नाम पड़ी। कब अपना बेटा के शादी कैली? 2010 में 11वां महीना में। हाँ क तारीख है हमारा यहाँ तारीख याद नहीं है। अच्छा जौनी उ कवना वेराइटी के रही है जौनी औरत बाड़ी? ये वेराइटी के ये रही है जब से हमारा घर में वो अली तब से हमारा घर में रह के चाहते न रही है। आ कोनो कोनो लेम लगा के हमारा घर से हरदम दूरे रहल बाड़ी। कहियो हमारा घर ढंग से 2 महीना नहीं खी रहल। आ बीच में उनका 2 गो लड़की कैसे भइल बाड़ी से हमनी के इहो पता नहीं। एगो लड़किया तो मान ली कि यहाँ रहुआ की यहाँ बिया? हाँ हमारा घर उ साल भर के मतलब कमे के लड़किया रहे तो छोड़ के भाग गई कूद के कि कहाँ से हमनी के इहो पता नहीं। एगो लड़की जौन बिया उ जहाँ शादी कैले बाड़ी ओकरा देह से शायद एगो लड़की? हाँ तो हाँ अब भइल बा एगो लड़का। हाँ 3 महीना 2016 में एक खाली दहेज वहेज के लेके उनके जौन भाई बाड़े उ केस कैले रहले ना ये कैले रहे। हाँ 2016 में दहेज प्रथा के और फैमिली कोर्ट में खोराकी के सब ये कैले रहे। तो खोराकियो भागल के बाद से खोराकियो पास करा ले बिया। अच्छा आ हमनी के सुलनामा लगा के एक ले अनी सन 3 महीना के बाद ही भाग के एक भाई मान चल गए कहाँ गए हमनी के ये पता नहीं के कि एक घर एक यार रल सन अहियाँ सन मिले जुले आ हरदम ओकनिये के बात बतियाई ओकनिये के टेंशन में रही इतना हमारा एकदम गारंटी पता जौन औरतियों बयान दिले बड़ी जौन राउट पतो रहली फिलहाल अब तो दूसरा के हो गई बड़ी तो उ कहता रही कि हमारा साथे मारपीट कैलो आ मारपीट के कहीं फेंक दियलो तब तो हमारा होश आइल तो हम केनाऊ चल गईनी गोरखपुर चल गईनी एक टाइप के बात नहीं। ऐसे टाइप के कोनो बात नहीं के अगर ऐसे टाइप के बात रही तो हमार सरकार बात मतलब सुन रहा बा कि ऐसा टाइप के बात रही तो ओकरा के मुआ के फेंक दिहल गई तो लोग इंतजार नानू करी खड़ा होके कि कब होश में आवत या कि जाती है कोर्ट में केस करे। जब ओकरा के मुआ के फेंक दिहल गई तो ओकरा के कहीं ठिकाने भी लगा देती सनू तो जियत कैसे पकड़ाई तो कैसे दहेज प्रथा केस लड़ ला। 2021 में मान ली कि निकल गई मैंने जहाँ भी इल्जाम उनकर बाकी हमरा के मार के फेंक देले रहलो लेकिन अब बेहोश रह ना। तो 2021 में का मामला बा जहाँ ले तो ओकर भाई कहले बा जे हमरा बहन के मुआ के फेंक देले बा लोग। हां सो के भी पता नहीं के चल। हां लाश के भी पता नहीं के चल। आ दहेज प्रथा के केस बा उ पता बा 2016 के हो। अच्छा हां तो 2016 से लेके 21 ले लड़त रहलसिया तो हम ओकरा के कोर्ट में से लिया रोनी सो माई बेटा वही के पलांटी से हमनी के इतना माने हमनी के जेल में 4 साल से हमार 2021 में ना पता भइल तो फिर से मान ली कि ना अब पकड़ाइल भी अब पुलिस अब पकड़ाइल ये मामला में रहो जेल में रहनी हम हम 7 महीना जेल में रहनी जो जे हमार बहुत माने स्वास्थ्य खराब बा अभी भी बा तबीयत खराब रहे लेकिन हमार लड़का छोड़ावल नहीं जाना पढ़त रहलन वो हमार लड़का के पढ़ाई 4 साल से जियान हो गए। ई जौन बाड़े और बेटा सुनील कुमार नाम हो ना जेकरा से उनकर शादी भइल रहे सुनील चौहान नाम हो। हाँ सुनील चौहान तो ई अभी जेल में बाड़े अभी जेल में बाड़ो। अब फिलहाल मान ली कि पुलिस को रहुआ तो कोर्ट में गई रही है। हाँ अब के कोर्ट में से आता नहीं का कहता लोग लोग कब छूटे के आशा कहता लोग हमरा के कुछ नहीं के लोग बताओ। अच्छा। आ पुलिस पकड़ ले रहे उकरा के तो पता न काहे पुलिस छोड़ देवे हमरा यो के। हाँ ओकरो भाइयो के पकड़ ले रहे पता न काहे छोड़ देवे हमरा यो पता नहीं के। हाँ पुलिस मान ली कि हो सकता कि आवे वाला कुछ दिन में 2-4-10 दिन में
पुलिस रहुआ बेटा के छोड़ दे से कि जेकरा हत्या के मामला में वो भीतर रहले है वो तो जीवते बा वो औरत जीवते बिया आ वो मान ले कि दूसरा जगह शादी करके अपन आराम से बिया आ एने रहुआ लो जेल खटत तो हां वो बच्चा लेके आइल बिया 3 महीना के कहतिया कि हम जनवरी में के भइल बा आ हम 4 महीना 4 साल से लइका जेल में बा आ वो बच्चा के कर उहे न बता सकतिया हां तो वो शायद एगो कोनो ड्राइवर वगैरह से उनकर का नाम बा कि हम वो ड्राइवर लेके गइलु अपना घर कि भाई चलो खाना वाना बनाई हो आ खाना वाना मान ली कि अब वही पीरियड में शादी कर लल आ ड्राइवर वे से एगो उनका लड़का उइका भइल बा जन बात तू कहती है नु ई सब गलत कहती है ई शुरू से ओकरे संग ई रहते रहे ड्राइवर बा के साथ हां आ ई गलत कहती है ई शुरू से ओकरे संग रहते रहे उ ड्राइवर जात के साइड मछुआरा के नाम से जानल जात रहे ड्राइवर बा से के गन से उइके साथ इसका एकर भाई ड्राइवर हो उ ड्राइवर ओकर भाई हो अब उ एकरा के पता नहीं के जो कैसे उ ड्राइवर के संगे जो नी बात कहत ये सब झूठ है लेकिन शुरू से उ ड्राइवर के संगे ही रहत रहे हां आ तभी झूठो के एकर ब्याह हो गेल हमनी के घर है त एकर लेम लगावत ये झूठो के जो हमनी के मारत रहले पीटत रहे सन कोनो हमनी के ओकरा के गाड़ी तक ने किस देले जितना भी लेम लगावत ये सब उ झूठ बा आ झूठा केस में आज ले हमर लइका जेल में बाड़ा आ जौन जो जियत उकल के आइल बिया आ गोदी में बच्चा के साथ ऊपर भइल बिया आ एकर हमरा के नाय सरकार मतलब देव जल्द से जल्द हमर बेटा के छोड़ दे आ इंस्पेक्टर साहब आइल बनी कि एसपी साहब हमरा कहे के ढंग नहीं थे पढ़ल लिखल नहीं थी वहाँ के आयल बनी वहाँ के लगे हम बीसो हाली आवेदन दिले बनी लेकिन वहाँ के सहायता से ए बेरा ऊपर हो गल बिया वहाँ के मान जहाँ सुनत होके हमरा मदद हमनी के करे में सहायता करे वहाँ के हम धन्यवाद करतनी हमारे बेटा के जल्दी से जल्दी छोड़े के छोड़ दी कि ताकि राउर बेटा अच्छा लगे आ जा अब एगो लास्ट में बात बताई अगर उ जौन लता देवी उनका नाम बाटे जौन राउर पतोह रहली अभी तो फिलहाल मान ली कि दूसरा केहू के तो उ अगर आवत तारी कह तारी कि ना हमरा से गलती हो गई चाहे हेंगानी हो गई तो फिर उनका क्या रउआ रख ली तब अब जैसे दुनिया बा चाहे केहू बा हमारा अच्छा सब अब सब माने रउे बड़ बानी बानी पत्रकार आ चाहे जे सुने वाला भी जितना बेटा बा चाहे बेटी बा चाहे बहन बा चाहे सास बा अगर ओकरा अच्छा लगत होके जे हाँ तू राख तब हम ओकर अंगे पालन कर सकतनी ना तो मान ली कि उ तो राखे वाला काम कैले बानी कैले बाड़ी ना अगर उनका मान ली कि कहीं जाही के रहे अथवा दूसरा से शादी करे के रहे तो कह देती कि भाई हम तारा साथे ना रहे एमे जे ला फौदारी कैले गे तो कोनो जरूरत बा ना ना तो उहे बात हमरे कहे के मतलब जे हमरे लइका पर लेम लगाओ तरी कि जे मारत रहलन पीटत रहलन तो ठीक बा मारत पीटत रह तो तू आसान से तिलक भी तो दे सकत रहलू हां हां तिलक दे के हमारे से पीछा छोड़ा सकत रहू अपना के रहो आप अपने के रहो लेकिन ऐसा बात हमार बेटा आज ले कहीं अंगुरी ना उठौल हूँ या ना हमने के हमारा घर में केहू अगर सदस्य ऐसा लौकत होके उनका के खाए वाला मारे वाला तो रोवा लो आयल बनी तो रोवा लोग अपन देख ली लो हमारा घर में कितना पलवार बा उनका के मारे वाला कितना बा मार खाए वाला कितना बड़ी चलिए एगो उनकर लड़किया बिया जौन रउआ किया बा है ने है जी बिया है ने अब तो बबनी एगो देखी है उनका जौन यहाँ के बेटा बानी उनका देह से ई लड़की बिया आ एगो लड़की जौन बिया उ ड्राइवर के साथ है मान ली कि उनकर भइल बा त का नाम पड़ी बबनी तार प्रांशु आ तार माई तारा याद पड़े ली तार मम्मी तारा याद पड़े ली ना ना कितना दिन के रहे लड़की है तब छोड़ लटपटा चलत रहली अभी गोड़ ना सही चलत रहे सुतले में छोड़ के भागल दुयो लेकर के सुतले में भागल बिया छोड़ के अब देख सकता नहीं एगो औरत के जी कहानी बा कि कितना मान ली कि अब का कहल जाओ हे लड़की के छोड़ के वो कहीं ना कहीं वो अपन मान ली कि रास्ता एगो दूसरे चेत लली ओकरा बाद से लड़की अपना महतारी के चिन्ह भी नहीं खे पाव तो अगर सियान होती है अपना महतारी के कहानी जानी तो एक मन पर का गुजरी अभी तो लड़का बिया आ उ पत्नी के हत्या के जुर्म में जौन बा पति जौन बाड़े आज 3 साल से जेल काट रहल बाड़े जौन पत्नी कहीं ना कहीं बल यूपी के बलिया में जीवित पावल गई बाड़ी आ दूसरा से उ शादी ब्याह क लेले बाड़ी तो एमें हालांकि रउआ अगर जेल के जौन स्टोरी बा ओकरा के जाने के कोशिश करब तो ओमे बहुत से ऐसा बेगुनाह आदमी बाड़े जौन जेल खटत आ रहे लेकिन ओकरा बावजूद भी ओकर सुनवाई नहीं के हो पावत तो कहीं ना कहीं कानून के देखे के चाही कि कोनो भी मामला अगर बाटे तो ओमे सही से सही अगर सघन जाँच कल जाता और मामला के सच्चाई के लियावल जाता तो कहीं ना कहीं जौन
निर्दोष लोग बा उ कम से कम ना फंसी। अब मान ली कि यहाँ के 7 महीना जेल खटियन, यहाँ के जौन लड़का बाड़े उ 3-4 साल से अभी जेल में बाड़े बेचारू, अब आनन फानन में पुलिस उनका एक कोशिश कर रहा बा छोड़ावे के केहूगनी से, लेकिन अब जौन 3-4 साल के टाइम बा उ लिया के दी, ये एगो बहुत बड़का सवाल बा जौन यहाँ लोग के परेशानी भइल आखिर उ लिया के दी। तो एपर कहीं ना कहीं कानून के अति शीघ्र कदम उठावे के चाहिए कि कौन, हालांकि कानून के रूल हटे कि 100 गो दोषी छूट जाओ लेकिन एगो निर्दोष के केहूगनी से मान ली कि सजा ना होके, लेकिन वही में बहुत से ऐसा मामला देखे के मिल जाला जे में निर्दोष भी जेल में चल जाले। हालांकि पुलिस गोपालगंज के पुलिस एगो धन्यवाद के काबिल बालो कि कहीं ना कहीं से ना कहीं से वो औरत के जिंदा बरामद कैले बालो, और बाद से ये पूरा जौन इराज रहा ऊपर से पर्दा उठ चुकल बा। पर्दा ऐसे उठल बा कि वही के लड़की के जौन औरत उ बाड़ी जौन पत्नी बाड़ी उ अपना भाई से फोन पर बतियावत उतियावत रही, अब यही मामला के लेके पुलिस ट्रेस कैले बा, और बाद से जब वही के भाई से पूछताछ भइल बा तब जाके पता चलल बा कि उ औरत जौन बाड़ी उ बलिया में बाड़ी, एगो ट्रक ड्राइवर से शादी ब्याह कह के अपन ओजी रह रहल बाड़ी। लेकिन जौन सबसे बड़का एजी मान ली कि जौन सबसे बड़का सवाल ई बा कि उनका हत्या के मामला में एगो निर्दोष जौन उनकर पति रहल है वो आज 4 साल से जेल में बाड़े, आ यहाँ के भी जौन बानी 7 महीना के जेल खट के आ चुकल बानी। अब देखे वाला बात ई बा कि वहाँ के कब जेल से रिहा होता, ओकरा बाद से हमनी के फिर वहाँ से बातचीत कल जाए। तब तक खातिर नमस्कार।